दोस्तों ओप्पो लेके आ चुका है नया स्मार्टफोन और आज हम लोग के चैनल पे भी फर्स्ट अनबॉक्सिंग होने वाली इसी फ़ोन की, ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G। और चलिए शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ से। टिपिकल ओप्पो का स्टाइलिंग बॉक्स देखने को मिल जाता है, तो ऐसे कुछ बॉक्स में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G। तो यहाँ पे बात करते हैं बैक साइड में क्या क्या मेंशन है। तो 12GB रैम और 256GB रोम, 8GB और 128GB देखने में मिल जाता है आपको। और ये स्टेलर ब्लैक कलर में है, इसमें आप लोग को एक और कलर देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे जो इसके ऊपर साइड में आप लोग देखे हो तो यहाँ पे जो प्राइस इसकी मेंशन है वो 46,990 रुपीज़ है, तो वो आप लोग को यहाँ पे मेंशन दी हुई है, लेकिन इसकी प्राइस इतनी नहीं है। तो मैं आप लोग को आगे बता दूंगा कि इसकी जो अभी करंट प्राइस चल रही है वो क्या है। तो फटाफट से इसकी सील को ब्रेक करते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर हम लोग को क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर इसकी प्लास्टिक को निकाल लेते हैं, फटाफट से एकदम क्लीन कर देते हैं और यहाँ पर इसकी सील को ब्रेक कर लेते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर सील है, तो उसको मैं सीजर से कट कर देता हूँ और ब्लैक बॉक्स को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, जिसके ऊपर ओप्पो की ब्रांडिंग दी हुई है। तो ये कुछ ऐसा बॉक्स है इसका, और यहाँ पे कुछ रीडिंग मटेरियल, यूज़र मैनुअल वगैरह, और साथ में आप लोग को सिम इंजेक्टर टूल देखने के लिए मिल जाता है और एक प्रोटेक्टिव केस मिल जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर हमारा मोबाइल रखा हुआ है रेनो 6 प्रो 5G, और साथ में आप लोग को मिल जाता है इसके अंदर सुपर वोक चार्जर 65 वाट का टाइप ए पोर्ट के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को टाइप सी ईयरफोन्स देखने मिल जाते हैं, जो कि बेसिक से ओप्पो के स्टाइलिश ईयरफोन हैं, और साथ में आप लोगों को टाइप ए टू टाइप सी यूएसबी केबल देखने मिल जाती है। प्लास्टिक को रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे जो इसका बैक साइड में जो टेक्सचर है वो काफ़ी रफ टाइप में है, काफ़ी प्रीमियम फिनिश है। और अगर आप अलग अलग एंगल से अगर आप लोग इसको देखते हो तो आपका जो कलर है वो अलग अलग दिखता है, जैसे कि ब्लू, ग्रे और ब्लैक कलर में आप लोगों को देखने मिलता है। और इसका जो लोगो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो काफ़ी सही आप लोगों को दिखता है, इसमें प्रीमियम लुक दे देता है और ये पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आप लोगों को दो बटन देखने मिल जाते हैं, जो कि वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए काम आ जाते हैं। और यहाँ पर आप लोग को राइट साइड में पावर अनलॉक लॉक बटन देखने मिल जाता है। और यहाँ पे टॉप साइड में आप लोग देखो तो यहाँ पे एक फ्लैट सी फिनिश दी हुई है, और यहाँ पे आप लोगों को सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने मिल जाता है। और बॉटम साइड की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को सिम ट्रे देखने मिल जाता है, साथ में प्राइमरी माइक्रोफोन है और टाइप सी पोर्ट है, और यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है। इसके अंदर आप लोगों को मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 5G ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है। और इसके अंदर आप लोगों को 3D कर्व डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जो कि 6.5 इंचेस की OLED स्क्रीन है, और साथ में आप लोगों को 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। ओप्पो ने इसके अंदर काफ़ी सारे 5G के बैंड्स डाले हैं, तो इससे आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे ये आता है क्वाड कैमरा सेटअप के साथ में। इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए कैमरा मिल जाता है। और यहाँ पे लगी है LED फ्लैश। इसके अंदर आप लोग को रैम एक्सपांशन देखने मिलता है, 3GB 5GB 7GB। अगर आप लोग 7GB एक्सपांड करते हो तो आपका जो रैम है वो 19GB तक एक्सपांड हो सकता है, आप लोग ऐसा कर सकते हो, इसमें आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है। साथ में आप लोग को यहाँ पे 256GB की स्टोरेज देखने मिल जाती है, और इसकी जो बैटरी है 4500 की देखने मिल जाती है, और साथ में आप लोगों को 65 वाट्स का सुपर वोक चार्जर देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ये आपके मोबाइल को 0 to 100 31 मिनट्स में कंप्लीट कर देगा, आपका जो फ़ोन है वो तेज़ी से रिचार्ज हो जाएगा। कैमरे की बात करें तो कैमरे में आप लोगों को काफ़ी अलग अलग इफेक्ट देखने मिलते हैं, बोके इफेक्ट देखने मिलता है, लाइव रिकॉर्डिंग में आप लोगों को बोके इफेक्ट देखने मिल जाता है। अभी यहाँ पे शूट कर रहा हूँ डायरेक्टली रेनो 6 प्रो से शूट कर रहा हूँ, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा ब्लर हो चुका है, और जो अभी माइक यूज़ हो रहा है वो भी रेनो 6 प्रो का हो रहा है, तो इसकी जो क्लैरिटी आप लोग को पता चल जाएगी कि इसकी क्लैरिटी कैसी है। और बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा ब्लर हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं खुद ही रख लूँ, मैं वापस ना दूँ इसको रिव्यू करने के बाद में, तो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सही लगा। तो टेस्टिंग तो हो गई कंप्लीट। तो यहाँ पे कुछ कैमरा सैंपल्स है जो कि मैंने इसी फ़ोन से क्लिक किए हुए हैं। जो इसकी ब्राइटनेस है वो 800 निट्स तक आप लोगों को देखने मिल जाती है, तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी इसकी ब्राइटनेस मुझे लगी। यहाँ पे आपको OLED स्क्रीन मिलती है, तो एक बार स्क्रीन को भी टेस्ट कर लेते हैं वीडियो चला के। इसका जो फिंगरप्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, जैसे मैं इसके ऊपर फिंगर रखता हूँ ये डायरेक्टली अनलॉक हो जाता है, काफ़ी फास्ट हो जाता है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा।
4K कंटेंट आप लोग इसमें इंजॉय कर सकते हो, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी देखने मिल जाती है आप लोगों को, कलर एक्यूरेसी आप लोगों को काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है, ब्राइटनेस अच्छा मिल जाता है, कॉन्ट्रास्ट इसका काफ़ी सॉलिड है। एक बार ऑडियो भी टेस्ट कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलता, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है और काफ़ी लाउड आप लोगों को इसमें ऑडियो देखने मिल जाती है, और इसकी जो माइक की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। अपने जो सैंपल देखा उसमें मैंने इसी के माइक को यूज़ किया था। तो दोस्तों ये है कुछ कहानी ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G की, और इसकी जो प्राइस चल रही है वो मैं आप लोग को अभी स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, और अगर आप लोग डायरेक्ट लिंक से परचेस करो तो शायद आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे डाल देना। मैं मिलूंगा आप लोगों को किसी और बढ़िया इंटरेस्टिंग वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।